हाय, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे यहाँ आई है एक नन्ही सी परी जिसे देखने के लिए हम आए हैं हॉस्पिटल। कौन है वो नन्ही सी परी, अभी बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए दादी और पोती। मैं दादी बन गई। नहीं, हम अपने बाबू को नहीं दिखाएंगे अभी, हम अपने बाबू को बाद में दिखाएंगे। है? अच्छा, ना पता है मुझे। ये तो आपको मैं, ये देखिए जी, दादियां खुश हैं दोनों। अगर आप लोगों को हमारी गुड़िया देखनी है तो मुंह दिखाई देनी पड़ेगी, तभी हम आपको दिखाएंगे अपनी गुड़िया। अब बता दियो, छोटी सी कन्या आ गई हमारे यहाँ नवरात्रों से पहले। हाँ, ये तो है जी। अब बता दियो उसे। हाय सेफ्टी पेंस, कैसे हैं आप सब लोग। दोपहर के बज रहे हैं 2:30, 2:30 का टाइम हो रहा है। स्कूल से मैं आ गई हूँ। मॉर्निंग में जब गई थी मैंने आपको बताया कि अंश अब जाने लगे हैं कॉलेज, तो बेचारा शाम को आता है 6:15 बजे। और जो टिफ़िन में, मतलब अगर मुझे एक ही फूड दे रही थी, 2 रोटी और सब्जी, तो उससे उसका कुछ हुआ नहीं। तो इसके लिए मुझे आज ज़्यादा, मतलब 2 टिफ़िन उसे देने पड़े, क्योंकि बच्चे मॉर्निंग 7:30 निकल रहे हैं और 6:15, 6:20 तक इवनिंग में घर आ रहे हैं। तो उस वजह से आज सुबह मैंने आलू बड़ियों की सब्जी बनाई, आलू के पराठे बनाए, जवें बनाए, और इन सब चीज़ों के बीच में मैं अपना दोपहर का खाना प्रिपेयर करना भूल गई। दैट्स मीन्स कि सब्जी तो बना रखी है मैंने, बट आटा गूंधा नहीं था और चावल भी नहीं बने थे, तो मैं सुबह बहुत ज़्यादा थक गई। तो मैंने अपने हस्बैंड से और बेटे से, दोनों से कहा कि अपने अपने काम पर जाने से पहले ओट्स के 2 पैकेट ज़रूर घर रख कर जाना, कि स्कूल से आने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं आटा लगाऊं और रोटी बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत थक रही हूं आजकल, मालूम नहीं क्यों, बट बहुत ज़्यादा थक जाती हूं। तो अब मैं स्कूल से आई, 10-15 मिनट रेस्ट किया और अब मैं किचन में आई देखने के लिए कि ओट्स आए हैं या नहीं आए, चलो बनाते हैं या नहीं बनाते। तो मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, देखो उन्होंने मेरे लिए कितनी बड़ी हेल्प करके हो गए कि ये थक कर आएगी, तो चलो इसके लिए कुछ प्रिपेयर करके चला जाता हूँ। तो वो बना कर गए राइस बना कर गए हैं, बॉयल करके राइस, क्योंकि पता है कि मैं वैसे तड़के वाले नहीं खाती हूँ, बॉयल ही खाती हूँ। और अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ सब्जी मैं बना कर गई थी वो है, और राइस बने रखे हैं, बस प्लेट लगानी है और मुझे और आधे को खाना खाना है। तो कितना अच्छा लगता था जब हम थक कर आएँ और आगे कोई हमारी हेल्प करके इसलिए चले जाते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, मैसेज भी नहीं मुझे किया कि कंचन सब कुछ मैं तैयार करके जा रहा हूँ, डोंट वरी। मेरे हस्बैंड ने बनाया जी, मैं बना कर गई थी आलू बड़ियों की, सोयाबीन की बड़ियाँ और आलू, उसे गरम करने रखे। और ये देखिए दूध भी बॉयल करके गए हैं, और ये देखिए बॉयल राइस भी बना कर गए हैं हमारे लिए। इतना ही कर देना ही बहुत बड़ा हो जाता है, इतनी हेल्प कर दी मेरे लिए, स्पीचलेस। काम का तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है रसोई में, ये कोफ्ते बेटा मॉर्निंग के लिए बने हैं, सुबह के लिए। और तू कोफ्ते खा किसके साथ रहा है, दाल के साथ, मतलब कोफ्ते दाल में भिगो कर खा रहा है तू, देखना। नहीं, सुबह के लिए है, सुबह के लिए है। देखो ये कोफ्तों को जो मैंने मॉर्निंग के लिए बना कर रखे हैं, ये इनको दाल के संग खा रहा है, बताओ कोई है कॉम्बिनेशन। चीयर्स। देखो इसकी हरकतें भाई, मतलब इसका कॉम्बिनेशन हमारे घर में सबसे अलग है, जो ये खाता है चीजें वो हमारे यहाँ नॉर्मली खाते नहीं है हम लोग, बताओ। कोफ्तों को दाल में भिगो कर खा रहा है, ग्रेट पर्सन हो तन में आप, ग्रेट, वेरी गुड। ये मैंने सुबह के लिए प्रिपरेशन करी है, क्योंकि सुबह उठकर इतनी जल्दी कोफ्ते बनते नहीं हैं, और बच्चे कई दिन से कह रहे थे कोफ्ते कोफ्ते कोफ्ते, तो बना रही है कोफ्ते। अब ये बेटा अभी खाना है भैया, इस बच्चे से कंट्रोल नाम की चीज़, कंट्रोल बेटा एक चीज़ होती है कंट्रोल, पता है कुछ आपको, भूख लग रही है तो भूख लग रही है बस। मैंने इधर तवा तैयार है, देखो आटा गूंदा रखा है, मैं फुलके बनाने जा रही हूँ। हाँ ओट्स भी अभी से ही खाने, ओट्स
सब कुछ इसे ही खाना है। हम क्या खाएं, हम कहाँ जाएं, हम गरीब प्राणी कहाँ जाएं। हंस रहा है बिहाइंड द कैमरा। बना, बस अभी बना रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना है, मैं रोटी बना रही हूँ बस। हेलो, अब मैं निकला हूँ अम्मा को ढूंढने। अम्मा ढूंढू मिशन ऑन। अब अम्मा पता नहीं कहाँ चली गई हैं। अब अम्मा को हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से हमारी किचन की दिख रही है। हाँ जी, हो हमारे चैनल की मालकिन जी। अब अम्मा जी, अम्मा जी दिख गई हैं, हमारी अम्मा, प्यारी अम्मा। ये देखिए, ये रही हमारी अम्मा। कहाँ चली गई थी देखो, हमें हमारी अम्मा मिल गई। हाँ, अब हमें अम्मा मिल गई हैं। अब हम जाएंगे घर और फिर हम खाएंगे खाना। अभी मैं जा रहा था अम्मा को लेके, और ये देखो, ये देखो यहाँ के डॉग्स को, इतने क्यूट डॉग्स हैं ना। ये देखो मेरे ऊपर ये देखो मेरे ऊपर ही, मेरे ऊपर चढ़ने को तैयार है ये डॉग्स। मैं आपको दिखाती हूँ। आजा, ये देखो मेरे ऊपर ही चढ़ गया है। ये देखो, ये देखो, ये ओरियो है, ये हमारी कल्लू है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, कि मॉर्निंग में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले तो इवनिंग में ज़्यादा काम हो जाता है। जैसे कल थर्सडे है तो कपड़े सारे आज धुल गए, और बच्चे कई दिनों से, दिनों तो नहीं मैं कहूँगी, महीनों से कह रहे थे कि कोफ्ते बनाओ, तो वो सारी प्रिपरेशन करके अब रखी है ताकि मॉर्निंग में ईजिली हो जाए कोफ्ते बनाना। तो कोफ्ते मैंने बना कर तैयार करके रख दिए हैं, बस सिर्फ अभी उनका तड़का वगैरह रह गया है, वो मॉर्निंग में लगेगा। और क्योंकि अंश के लिए अब मेरे को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, बहुत लेट आता है बच्चा, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी तैयारी करी है ब्रेड पकोड़ा की, वो भी सुबह बनेगा। और डिनर हो गया है हम सबका, बस मैं रह गई हूँ, बाकी सबका डिनर हो गया है। और डिनर से पहले मैंने कहा सबसे पहले मैं व्लॉग एंड करूँ, आप सबको बाय बोलूँ, गुड नाइट बोलूँ, और उससे पहले मैं मिलवाती हूँ अंश से, क्योंकि दो दिन से आप देख रहे हैं अंश आपको व्लॉग्स में दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:30 चला जाता है और शाम को 6:15-6:20 तक घर आता है। तो यस अंश, दो दिन से आप हमारे व्लॉग में नहीं है, आपने हमारे व्लॉग को मिस किया कह रही हो। आई एम रियली सॉरी, तो आपने हमारे व्लॉग को मिस किया। मैंने देखे भी नहीं एक भी व्लॉग, बस एडिट करके छोड़ देता हूँ। देखो, जब घर के लोग ही नहीं देख रहे तो बाहर वालों से आप क्या कहे। कोई बात नहीं, संडे को बैठ कर तुम सारे व्लॉग देख लेना। ओके, एक्टिंग करते समय वैसे ही सारे देख ही लेता है। और मुझे बताओ, सब लोग जानना चाह रहे होंगे कि आपको कॉलेज कैसे लग रहा है, स्कूल और कॉलेज में क्या डिफरेंस है, क्या चेंज लगा? बस वो डेढ़ दो घंटे के लेक्चर होते हैं, पहले होते थे पीरियड शॉर्ट टाइम के, पहले होते थे 40-40 मिनट के पीरियड, अब हो रहे हैं डेढ़ डेढ़ दो घंटे के लेक्चर। अच्छा, और क्या चेंज लगा? आज का दिन बहुत अच्छा गया था, आज का दिन अच्छा, कल बहुत थक गया था, परसों तो ऐसे भी थकान हो गई थी, अब हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। थिंक पॉजिटिव, आगे बढ़ते रहो, अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह बने, कोई न्यू फ्रेंड्स बने? हां, न्यू दोस्त बने हैं, क्यों नहीं बने, दोस्त ही बने हैं ना। हां, दोस्त ही बने हैं। कॉलेज है बेटा, स्कूल में तो माँ की नजरों के सामने थे। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि दोस्त ही बन रहे हैं ना, कहीं भाई पता चले। 3 दिन हुए हैं अभी जाते हुए। 3 दिन तो बहुत होती है, बहुत है 3 दिन। चलिए, ओके, गुड बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ो। देख लो, 2 दिन कितना तैयार होके गया, टी शर्ट पे आ गया। हाँ, आ गया जब अपने अपने वाले कपड़ों में आ गया, 2 दिन तो शर्ट ट्रॉल पहन के गया, गर्मी लगी वहाँ, आ गया अपनी टी शर्ट पर, सारे फ्रेंड आ गए इसके, मयंक भी, सार्थक भी, सब टी शर्ट में आ गए। चलो ठीक है, और
और अच्छी तरह से मन लगा कर करना वहाँ पर भी स्टडी, जैसे स्कूल में अच्छा किया वैसे कॉलेज में भी अच्छा होना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे फ्यूचर के बहुत प्लान है और सारे प्लान तूने ही पूरे करने हैं मेरे। साफ सी बात है, जो है सच्चे बच्चों को बता कर रखना चाहिए ना, उनके माइंड में भी तो पूरा माइंड मेकअप होना चाहिए ना कि पेरेंट्स भी क्या एक्सेप्ट करते हैं, करना चाहिए पेरेंट्स को भी, क्यों नहीं करें हम, बताइए किस पर करें। आज सिंपल सा ही व्लॉग था और आपने देखा हमारी फैमिली में एक नन्ही परी भी आई है छोटी सी, और हाँ अभी तो उसका फेस मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है, जब वो घर आ जाएगी उसकी पूजा हो जाएगी तब कराएंगे, दिखाएंगे हम उसे, हाँ तब उसे दिखाएंगे, बट इतनी स्वीट है, मैं तो मिलकर देख कर उसे आई हूँ, और ब्लेसिंग दीजिएगा उसे भी अपनी, और भाई ध्यान रखिएगा सब लोग अपना, और व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और व्लॉग पूरा देखा कीजिए, और कोई भी सजेशन हो तो वो भी देना। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।